अनुराग ढांडा मौजूद हैं वहां पर, उनके वोट के वोटर लिस्ट में से नाम कटे हैं तो लोग कुछ नाराज दिख रहे हैं। इधर हमें संदीप बोल के साथ राम माधव दिख रहे हैं दिल्ली में, वोट करने आए आप सुबह सुबह आ गए वोट करने। इस बार दिल्ली का चुनाव थोड़ा सा दिलचस्प नजर आ रहा है क्योंकि कैंडिडेट जो है वो बहुत बेहतर तरीके से चुने हैं, बीजेपी ने भी चाहे कांग्रेस ने, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने। किस तरह से पूरी लड़ाई लड़ेगी? हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि दिल्ली के सातों सीटों पर जैसे 2014 में हमारे उम्मीदवार विजयी हुए हैं, इस बार भी अच्छा विजय सातों सीटों पर बीजेपी को मिलेगा और पूरे देश के अंदर भी एक बहुत अच्छा अंडरकरंट मोदी जी के सरकार के जो प्रयास चल रहे हैं 5 साल से उनके समर्थन में है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर बहुमत नहीं आता है, अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है तो सबसे पहले जाके जो है राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश करें। सारे स्वप्न देखने का, बैठक करने का पूरा छूट 23 तारीख सुबह 8 बजे तक है। 21 को क्यों, 22 को कर ले, 23 को सुबह सुबह बड़े सवेरे उठ के कर ले, पर 8 बजे के बाद जो रिजल्ट आएगा वो स्पष्ट है, मोदी जी की सरकार को पूर्ण बहुमत दोबारा एक बार मिलने वाला। राम माधव से बात कर रहे थे संदीप बोल। ये अंडर करंट कमाल की चीज होती है, अंडर करंट हर प्रत्याशी अपने पक्ष में क्लेम कर लेता है क्योंकि अगर उससे कहा जाए कि साहब अंडर करंट कहाँ है तो बोलेंगे अंडर करंट है इसलिए तो दिख नहीं रहा, वो अंडर करंट है। अंडर करंट विपक्ष भी कह रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ है और मोदी सरकार के नुमाइंदे भी कह रहे हैं कि इस बार वेव नहीं, अंडर करंट है मोदी सरकार के पक्ष में और पिछली बार से बेहतर बहुमत आएगा जो कि दिखेगा 23 तारीख को कि क्या होता है, कौन सी साइड जो है वो सही कह रही है और ये अंडर करंट अगर था तो किस तरफ था। 23 तारीख को नतीजे सही वाले